यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और अब आपको झज्जर और पानीपत की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि शिक्षकों की कुंभकर्णी नींद, कैसे शिक्षक सो रहे हैं और साथ ही लापरवाही हर मुहाने पर बच्चों की सुरक्षा का मजाक बना रही है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, पानीपत और झज्जर। दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जहां बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां लापरवाहियों के अंबार लगे हैं। चलिए लापरवाही की पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पहले झज्जर चलते हैं। स्कूल चल रहा था, बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन जिन्हें बच्चों को पढ़ाना था उनकी हालत देखिए। देखिए, कुंभकर्ण भी इतना बेफिक्र होकर कभी नहीं सोया होगा। तस्वीर झज्जर के दुजाना गाँव की है। ये सरकारी स्कूल है। मोटी तनख्वाह लेकर सर सोफे पर नींद ले रहे हैं। जब सर लोग मस्ती में नींद ले रहे थे तो बच्चे बेफिक्र होकर बाहर घूमने के लिए निकल गए। तस्वीर देखकर लग रहा था मानो कोई चौपाल हो। सवाल ये है, ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? टीचर सोते नजर आ रहे हैं, दुजाना स्कूल का बताया जा रहा है, खुद अभिभावकों ने वायर किया है। इसकी जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई करेंगे। मतलब स्कूल आराम घर बना हुआ है और सर को पता भी नहीं। दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। जब स्कूलों से ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं, तो क्या होता है? चलिए पानीपत चलिए और देखिए। रो रही है, फिर मैडम के पास गई थी तो मैडम के पास कही कि ये बच्चा अपाया आया, तो उसमें दलिया थी, दलिया जैसे दिया तो वो दलिया ना गई। वो भी नहीं बता रही कि बच्चे ने डाला कि नहीं डाला। ये आया कि मम्मी मुझे उसने, जिसने मुझे पढ़ाती मास्टर, वो मुझे थप्पड़ मारा और ये सीधा घर आया। घर में आया, इसको छोड़ने भी नहीं आए। मेरी घरवाली कही कि मैम जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस गली से नहीं उस रास्ते से वो निकल गई। लापरवाही, एक शिक्षक की लापरवाही ने मासूम बच्ची का चेहरा जला दिया। बच्ची स्कूल में थी, वहाँ बच्चों के खाने के लिए दलिया बना था। वहीं मैडम के सामने किसी ने बच्ची के चेहरे पर दलिया डाल दिया, जिससे बच्ची का चेहरा पूरी तरह जल गया। जब बच्चे के जलने की वजह पूछी गई तो शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए हॉस्पिटल ले जाने के बजाय दूसरे रास्ते से अपने घर निकल गए। ये पानीपत है और वो झज्जर था। दोनों जगह ही देखिए शिक्षा विभाग कितना सचेत है और बच्चों को स्कूलों में कितनी सुरक्षा दी गई है। और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारों से सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि ऐसे ही पढ़ेगा इंडिया और ऐसे ही बढ़ेगा इंडिया। जिम्मेदार घुमा फिरा कर यही ज्ञान दे जाएंगे। पानीपत से कुलवंत सिंह और झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।